हेलो नमस्कार। कक्षा 12 में अपने 76 में जिसमें नेक्स्ट टॉपिक अपना कला संबंधित स्रोत और कला असंबंध स्रोत इनके बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने डे 175 में बात की थी अध्यारोपण सिद्धांत की, जिसमें संपोषी अध्यारोपण और विनाशी अध्यारोपण की बात की थी और उनमें कालांतर पथांतर में क्या संबंध होता है वो बात की थी। बहुत महत्वपूर्ण भाग है, उसी से संबंधित आगे जो डेरिवेशन करेंगे उसमें वो सारी बातें काम आएंगी, इसलिए वो पार्ट महत्वपूर्ण है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी और आगे के डेरिवेशन के लिए। अब हम आगे के टॉपिक पढ़ने से पहले आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे जो एक बड़ा टॉपिक है जिसमें पूरा डिस्क्राइब करेंगे, वो है व्यक्तिकरण। व्यक्तिकरण उसको पढ़ने के लिए कुछ बातें हम पहले और करेंगे, जिसमें सबसे पहली बात है कला संबंध स्रोत। कला संबंध स्रोत कोरेंट सोर्स। कोरेंट सोर्स क्या होते हैं? ये प्रकाश की, एक बात ये ध्यान रखें प्रकाश की बात कर रहे हैं हम। कला संबंध स्रोत किसके लिए? प्रकाश के लिए। दूसरे बात करेंगे हम कला असंबंध स्रोत की, दोनों लिख लेते हैं, दोनों की बात कर लें। कला असंबंध स्रोत इनकोरेंट सोर्स कहते हैं इनको। किसके है ये भी? लाइट के हैं, इनकोरेंट सोर्स ऑफ लाइट। कला संबंध और कला संबंध स्रोत। कला संबंध स्रोत क्या होते हैं? वे प्रकाश स्रोत जिनके मध्य कालांतर जीरो हो, एक बार। दूसरा, जीरो नहीं हो तो कालांतर नियत रहे, बदलना नहीं चाहिए। जैसे हमने कालांतर अभी बात की थी कि पिछली क्लास में कि कालांतर 2π है दो तरंगों के बीच में अगर मान लो, तो वो 10 सेकंड के बाद में भी 2π रहना चाहिए, फिर बदलना नहीं चाहिए वो कालांतर, ठीक है। या फिर कालांतर जीरो, जीरो का मतलब एक साथ ही चल रही है, एक साथ ही न्यूनतम हो रही है, एक साथ जीरो हो रही है, एक साथ अधिकतम हो रही है, तो वो कालांतर होता है जीरो। दूसरा, दूसरी कंडीशन क्या है? जो स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश तरंगे हैं उनकी आवृत्ति समान होनी चाहिए, आवृत्ति या तरंग धेरे भी कह सकते हैं आवृत्ति, क्योंकि तरंग धेरे आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो क्या बात है इसके अंदर? सबसे पहली बात तो वे स्रोत जिनकी आवृत्ति समान हो तथा या तो वे या तो उनमें कालांतर शून्य हो या कालांतर नियत रहे, ऐसे स्रोत क्या कहलाते हैं? कला संबंध स्रोत कहलाते हैं, कोरेंट सोर्स कहलाते हैं। दूसरे तरह के होते हैं इनकोरेंट सोर्स, कला असंबंध स्रोत, जिनमें क्या होता है? या तो आवर्ती नियत नहीं हो, आवर्ती समान नहीं हो, ठीक है, दोनों स्रोतों की आवर्ती समान नहीं हो। जैसे अगर ये अलग अलग कलर के बल्ब हैं जो अलग अलग कलर का प्रकाश देते हैं, एक ब्लू कलर का देता है, एक मान लो रेड कलर का देता है, येलो कलर का देता है, तो इसकी आवृत्ति अलग है, इसकी आवृत्ति अलग है, तो ये क्या होगी? अगर ये मान लो रेड कलर की लाइट देते हैं और ये मान लो येलो कलर की लाइट देते हैं, तो इनकी आवृत्ति क्या हो गई? ऐसी स्थिति में आवृत्ति हो गई अलग, और आवृत्ति अलग हो गई तो इसका मतलब ये कैसे स्रोत हो गए? कला असंबद्ध स्रोत हो गए, एक बात हो। दूसरा, आवृत्ति समान हो सकती है तो उस समय उनका कालांतर समान नहीं हो, यानी दोनों कंडीशन फॉलो होगी तब तो कला संबंध स्रोत होंगे, क्योंकि बाद में जब हम अगले टॉपिक पढ़ेंगे तो हम इसमें ये लिखेंगे इसमें कला संबंध स्रोत का प्रयोग किया जाता है, फिर ये ऐसे किया जाता है, फिर उसका डेराइव कर लेंगे, तो फिर वहां हम नहीं लिखेंगे कला संबंध स्रोत होते क्या है, इसलिए हम पहले डिफाइन कर रहे हैं इनको कि कला संबंध स्रोत क्या होते हैं, जिनकी आवृत्ति समान हो और जिनमें कालांतर या तो शून्य हो या फिर नियत रहे, बदले नहीं, ऐसे नहीं है पहले 30 डिग्री है फिर 50 हो गया फिर 60 हो गया फिर 40 हो गया, कांस्टेंट रहना चाहिए वैल्यू। दूसरा, कला संबंध में क्या होगा? या तो आवृत्ति अलग अलग हो, आवृत्ति कब अलग होगी? जब उनके कलर अलग होंगे, समान प्रकाश नहीं होगा, एक कलर का नहीं होगा।
अगर एक समान प्रकाश है, एक ही कलर का है, सेम दोनों ही व्हाइट लाइट दे रहे हैं, दोनों येलो लाइट दे रहे हैं, ठीक है, तो उनके अंदर कालांतर निश्चित नहीं हो, ठीक है। तो या तो क्या है इसके अंदर, या तो आवर्ती भिन्न भिन्न हो, किसकी, प्रकाश स्रोत की आवर्ती भिन्न भिन्न हो, या यदि आवर्ती समान है तो प्रकाश तरंगों में कालांतर नियत ना हो। तो ऐसे प्रकाश स्रोत क्या कहलाते हैं, कला संबद्ध प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत। और अगर प्रकाश स्रोत अलग अलग हैं, दो प्रकाश स्रोत अलग अलग हैं, तो वो हमेशा कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत ही होते हैं। यदि ये बात ध्यान रख लिया आप इसमें, यदि दो प्रकाश स्रोत भिन्न भिन्न हैं तो वे कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत होंगे। क्या होंगे, कला क्यों होंगे, क्योंकि अगर अलग अलग है और सेम कलर की भी ले रखी हमने तो आवर्ती समान हो जाएगी, तो वो समान कला में नहीं पहुंचेंगे वो किसी भी कीमत पर, तो वो हर कंडीशन में उनमें कालांतर कुछ ना कुछ होगा, एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा, नहीं होगा तो उसी स्थिति में वो कला संबंध स्रोत की तरह व्यवहार नहीं करेंगे। व्यतिकरण की जो घटना पड़ेंगे उसमें हम देखेंगे कला संबंध स्रोत होने चाहिए, तो उसके लिए कला संबंध में होता क्या है और कला असंबंध में क्या होता है। तो या तो आवर्ती अलग है, आवर्ती समान है तो कालांतर अलग है, दोनों में अगर एक चीज़ भी नहीं है तो वो स्रोत कैसे रहेंगे, वो कला असंबद्ध स्रोत रहेंगे। अगर इसके लिए बात करें कि अगर प्रकाश स्रोत भिन्न भिन्न है तो क्या होंगे, वे कला असंबद्ध स्रोत होंगे। अब हम बात कर रहे हैं आगे कि कला संबंध स्रोत प्राप्त करने की विधियां क्या हैं, कला संबंध स्रोत कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट बात लेते हैं, इसी में कर लेते हैं हम साथ ही, कला संबंध स्रोत प्राप्त करने की विधियां। इसके अंदर दो विधियां हैं, नंबर एक है जो हम यूज करेंगे तरंगागर विभाजन के द्वारा, और नंबर दो है वो है आयाम विभाजन के द्वारा, इसका हम यूज नहीं करेंगे, इसी संबंधी टॉपिक भी अपने नहीं है, वो बीएससी में पूछे जाते हैं, कॉलेज स्टडी में ऑप्टिक्स एक बुक लगती है, उसके अंदर इसके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनकी डिटेल हैं। हम दोनों की बात करेंगे, तरंगागर विभाजन और आयाम विभाजन क्या है। तरंगागर विभाजन और आयाम विभाजन दो भाग हैं, दो तरीके से हम कला संबंध स्रोत प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे व्यतिकरण, व्यतिकरण की घटना प्राप्त करने के लिए स्रोतों का कला संबंध होना आवश्यक है, पहली शर्त तो ये आ गई, उसमें सबसे लास्ट में हम पूछेंगे लिखेंगे व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें क्या हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो पहली शर्त तो क्या है, स्रोत कैसे होने चाहिए, कला संबंध होने चाहिए, कला संबंध का मतलब पता चल गया। अब कैसे प्राप्त किए जाते हैं, तरंगागर विभाजन के द्वारा। तरंगागर विभाजन में क्या किया जाता है कि जो एक प्रकाश स्रोत होता है इसके अंदर, कैसा, सिंगल प्रकाश स्रोत होता है, ठीक है। अभी हमने लिखा ना, ये बात इसीलिए लिखी है, भिन्न भिन्न प्रकाश स्रोतों से कला संबंध स्रोत प्राप्त करना संभव नहीं है। तो एक प्रकाश स्रोत होता है जिससे उत्सर्जित होने वाले तरंगागरों को कितने भागों में विभाजित कर लिया जाता है, दो भागों में विभाजित कर लिया, क्योंकि अध्यारोपण कब होगा, जब दो तरंगे, दो या दो से ज्यादा तरंगे अध्यारोपित होंगी,
तभी तो होगा। अब एक ही प्रकाश स्रोत से निकल रहा है तो उससे तो एक जैसी तरंग ही है, अध्यारोपण कैसे होगा? ठीक है, तो यहाँ एक प्रकाश स्रोत से उस उत्सर्जित तरंगागारों को क्या किया जाता है, दो भागों में विभाजित कर लिया जाता है, इसलिए इसको तरंगागार विभाजन कहते हैं। फिर उनसे दो अलग अलग भागों में नए, क्योंकि प्रत्येक बिंदु एक नए स्रोत की तरह व्यवहार करता है, ये तरंगागार सिद्धांत हमने पढ़ा था हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में, तो उससे फिर तरंगिकाएं निकलती है, नए तरंगागार निकलते हैं, वो एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं और परिणामी तरंग का निर्माण करते हैं। तो वहां पर अध्यारोपण के कारण ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, जिससे व्यतिकरण की घटना प्राप्त होती है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से। तो वहां व्यतिकरण प्रतिरूप हमें प्राप्त होता है। ठीक है, व्यतिकरण प्रतिरूप क्या होता है, कुछ चमकीले काले बिंदु प्राप्त होते हैं। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, जैसे इसकी एक शर्त है, मुख्य विशेषता क्या है, स्रोत जो होता है वो बिंदु के समान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्रोत बिंदु समान होना चाहिए, एक बात तो ये। ठीक है, थ्योरी में एक लाइन लिखी है तो क्या लिखेंगे हम, कि तरंगाग्रों को किसी बिंदु से विभाजित करके दो भागों में विभाजित कर लिया जाता है। ठीक है, कैसे किया जाता है, जैसे इसमें इस तरह से कोई बिंदु स्रोत है, तरंगाग्र विभाजित हो रहे हैं, इसके आगे कोई अवरोध रख दिया जाता है, स्लिट कहते हैं इसे, स्लिट कहते हैं, स्लिट। ठीक है, स्लिट का मतलब छिद्र, और ये अब आगे जाएगी तो क्या हो गया, अब कहाँ से निकलेगी, आगे तो दीवार आ गई, आगे ना, तो रुक जाएगी, ये कहाँ से निकलेगी, छिद्र में से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, हो गया ना दो भागों में विभाजन इसका, तो यहाँ से नए तरंग आकर निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे छोटे छोटे, फिर वो आगे बढ़ेंगे, इधर से भी निकलेंगे, ये प्रयोग भी है, यंग का द्विस्लिट प्रयोग इसे कहते हैं, एक काम और हो गया वैसे ही, लेकिन फिर हम डिटेल से पढ़ेंगे वैसे तो। तो अब ये क्या हो रहा है, एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रहे हैं, जिससे क्या होंगे, कुछ चमकीले काले बिंदु प्राप्त होते हैं, उनको व्यतिकरण कहते, उस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। तो ये इस प्रकार से तरंगाग्र का विभाजन किया जाता है। और अब यहाँ जो दो स्रोत प्राप्त हो रहे हैं, अब देखो यहाँ से आने वाली तरंगाग्र एक साथ पहुँच रही है, वही प्रकाश इसमें से निकलेगा, वो इसमें से निकलेगा, तो आवृत्ति भी समान हो गया, कला संबंध स्रोत। तो इस प्रकार तरंगाग्र विभाजन के द्वारा कला संबंध स्रोत को प्राप्त किया जाता है। अगर पूछ ले उदाहरण लिखो, तो सबसे अच्छा उदाहरण है जिसका हम यूज़ करेंगे, पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में है, वो है यंग का द्विस्लिट प्रयोग, द्विरेखा छिद्र प्रयोग कहते हैं इसे, द्विस्लिट लिख लो या द्विरेखा छिद्र, द्विरेखा छिद्र प्रयोग। फ्रेनल का द्विप्रिज्म प्रयोग दूसरा, फ्रेनल का द्विप्रिज्म प्रयोग, ये होता है तरंगागर, और यही हमें यूज करना है, यही हम यूज करेंगे ट्वेल्थ के अंदर। अब आयाम विभाजन क्या होता है, आयाम विभाजन में क्या होता है, तरंग के आयाम को आंशिक अपवर्तन और आंशिक परावर्तन के द्वारा विभाजन कर दिया जाता है, उसको कहते हैं आयाम विभाजन। अब आंशिक परावर्तन और अपवर्तन क्या होते हैं, आंशिक परावर्तन और अपवर्तन, इसका जो एग्जाम्पल है वो है ये, जो साबुन के बुलबुले जब कपड़े भिगोते हैं बाल्टी में, तो वहाँ सर्फ के बुलबुले बन जाते हैं और वो हमें चमकते हुए दिखाई, चमकीले दिखाई देते हैं ना, वो चमकीले दिखाई देते हैं, तो वो उसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आंशिक अपवर्तन परावर्तन क्या होता है, वैसे तो ये बीएससी की बात है, अपने सिलेबस की बात नहीं है ये, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं इसमें। आयाम विभाजन में आंशिक परावर्तन, जो प्रकाश तरंगे आती है उसका आंशिक परावर्तन होता है, और आंशिक, आंशिक का मतलब होता है कुछ भाग, कुछ भाग परावर्तित तो हो जाता है, कुछ भाग अपवर्तित। ऐसा कैसे समझ सकते हैं हम इसको, जैसे हम मोबाइल में अगर हम देखें, मोबाइल में तो देखते हैं ना हम सभी, मोबाइल में देखते हैं तो स्क्रीन पर, स्क्रीन पर क्या होता है, हमें कभी कभी क्या दिखाई देता है, नीचे के लिखे हुए अक्षर भी दिखाई दे रहे हैं मोबाइल के अंदर, जैसे जो भी एप्लीकेशन है वो भी दिखाई दे रहे हैं, और थोड़ा अपना चेहरा भी दिखाई देना है, होता है ऐसा हल्का भाग। तो अपने को कब दिखाई देता है अपना चेहरा, जब परावर्तन की घटना होती है, कि प्रकाश किरण टकराकर वापस हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हमें दिखाई देते हैं। दूसरे भाग का कब दिखाई देता है, जब अपवर्तन की घटना होती है, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो हमें दोनों का अंदर का भी दिखाई दे रहा है और हमारा चेहरा भी दिखाई दे रहा है उसके अंदर, तो उसमें दोनों घटनाएं हो रही है, परावर्तन भी हो रहा है लेकिन हमें चेहरा भी बिल्कुल साफ दिखाई नहीं देता है, नहीं देता ना, बिल्कुल क्लियर, जैसा शीशे में देखते हैं वैसा थोड़ी दिखाई देता है,
ठीक है, वो कैमरा एक अलग कंडीशन है, सेल्फी लेते हैं तब तो खूब दिखाई देता है, वो नहीं कह रहे हम, लेकिन वो तो एक कैमरा ऑन करने की बात नहीं है, नॉर्मल वे के अंदर जैसे मोबाइल अपने पास है वैसे सामान्य स्थिति में, तो वहां क्या होता है क्लियर दिखाई नहीं देता। तो वो परावर्तन तो हुआ है लेकिन पूर्णतः परावर्तन नहीं हुआ है, प्रकाश का कुछ भाग अंदर भी चला गया और कुछ भाग परावर्तित भी हो गया। तो वैसी जो घटना होती है उसको हम समझ सकते हैं कि वो आंशिक परावर्तन है और आंशिक अपवर्तन। आंशिक का मतलब थोड़ा परावर्तन हो गया और थोड़ा अपवर्तन हो गया, आंशिक का मतलब ये होते हैं। तो इसमें इस प्रकार से क्या किया जाता है, आयाम का परावर्तन और अपवर्तन में विभाजन कर दिया जाता है, जिससे जो तरंगाग्र हमें प्राप्त होते हैं, जो प्रकाश स्रोत हमें प्राप्त होते हैं, जो प्रकाश आता है वो कैसा होता है, वो कला संबंध प्रकाश प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसके लिए प्रयोग जो किए जाते हैं वो बीएससी फर्स्ट ईयर में आती है बातें, न्यूटन वल्ले प्रयोग है एक, उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। एक माइकलसन व्यतिकरण मापी होता है, अगर उदाहरण पूछ लिया जाए डेफिनेशन तो माइकलसन व्यतिकरण मापी है ये, इसके जो है वो एग्जांपल्स हैं। तो आप ये शॉर्ट में परिभाषा लिख लें, इसमें तो हम ये लिख सकते हैं कि तरंगागर को किसी अवरोध के द्वारा तरंगागर को दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिनसे उत्पन्न प्रकाश तरंगे अध्यारोपण के पश्चात व्यतिकरण की घटना देती है। इसके लिए प्रकाश स्रोत बिंदु समान होना चाहिए, ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं, ऐसी घटना को कहते हैं तरंगागर विभाजन के द्वारा कला संबंध स्रोत प्राप्त करने की प्रक्रिया। दूसरी है आयाम विभाजन के द्वारा, आयाम विभाजन के द्वारा, तो इसमें क्या किया जाता है, किसी प्रकाश तरंग का आंशिक परावर्तन और आंशिक अपवर्तन के द्वारा आयाम विभाजन किया जाता है, जिससे प्राप्त प्रकाश भी कला संबंध प्रकाश होता है। ठीक है, इसके लिए एक एग्जाम्पल और भी रहता है, पतली फिल्मों में व्यतिकरण, जो मैंने अभी बुलबुले का एग्जाम्पल बताया था वो क्या होता है, वो पतली फिल्म ही होती है, उसके जैसे ही थोड़ा सा टच करते हैं वैसे ही वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है। इसलिए ऐसे ऐसी जो स्ट्रक्चर होती है उसको क्या कहते हैं, पतली फिल्म। अगर पानी पर तेल की एक बूंद डाल दें तो वो पूरे पानी पर फैल जाएगी और फिर हमें वो पानी चमकीला दिखाई देने लग जाएगा। वो किसके कारण होता है, व्यतिकरण के कारण। बुलबुला जो रंगीन दिखाई देता है वो किसके कारण होता है, व्यतिकरण के कारण। पक्षियों के जो पंख है वो हमें रंगीन दिखाई देते हैं, वो किसके कारण होते हैं, व्यतिकरण के कारण। ये सारी घटना व्यतिकरण से संबंधित है और इसी से संबंधित होती है, किससे संबंधित, व्यतिकरण से संबंधित, जिसमें प्रकाश तरंगों एक दूसरे पर अध्यारोपित तो होती है और परिणामी तरंगों का निर्माण करती है। ठीक है, जिससे हमें बात करेंगे हम अगले टॉपिक पे, उसी पे पहुंचने वाले हैं कि कैसे चमकीले और काले बिंदु हमें प्राप्त होते हैं, उसके अंदर कैसे चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो वो जो साबुन के बुलबुले की हम बात करते हैं वो चमकीला दिखाई देते हैं, वो उसको कहते हैं पतली फिल्म के कारण व्यतिकरण। इन सब का डिस्क्रिप्शन कंप्लीट है आप जो वो है कॉलेज स्टडी में है, बीएससी फर्स्ट ईयर में ऑप्टिक्स पूरा प्रकाशिकी, यहाँ हम एक एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, वहाँ पूरी की पूरी किताब लगती है, तो उसके अंदर इसके बारे में पूरी डिटेल रहती है, तो हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे वो सिलेबस की बात नहीं है। तो ये हो गए इसके विभाजन, आयाम विभाजन किस प्रकार से होता है इसके अंदर और तरंगाग्र विभाजन से कैसे होता है, ये है कला संबंध स्रोत प्राप्त करने की विधियाँ। आपको पूछ लें एक नंबर में तो नाम पूछे जाते हैं कला संबंध स्रोत प्राप्त करने की कौन सी विधियाँ हैं, तरंगाग्र विभाजन, आयाम विभाजन। ठीक है, तरंगाग्र विभाजन का उदाहरण, आयाम विभाजन के उदाहरण, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ये जितना मैटर हमने इस क्लास में और पिछली क्लास में किया 175 में वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। कला संबंध स्रोत किसे कहते हैं, असंबंध स्रोत किसे कहते हैं, आवर्ती कैसे होनी चाहिए, ठीक है, कालांतर कैसे होना चाहिए, तो कालांतर या तो शून्य हो, ठीक है, या नियत हो, कला संबंध में या तो कालांतर अपरिवर्तित हो या आवर्ती अलग अलग हो, तो कालांतर की जरूरत ही नहीं है, आवर्ती अलग अलग होगी तो भी कला संबंध स्रोत प्राप्त नहीं हो सकते। बाकी बातें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तक इसको कर ले।